चले बेटा देख नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो है वो इंपॉर्टेंट से स्टार्ट करने लगे और इस टॉपिक के अंदर बेसिकली एल्युमिनियम कैसे ऑब्टेन होगा ये डिस्कस करेंगे किससे उसके ओर से ओर की डेफिनेशन हम सोडियम का जब चैप्टर स्टार्ट कर रहे थे उसी में डिस्कस कर चुके हैं व्हाट इज मीना को किसी भी मैटर की कंबाइंड फॉर्म मतलब कोई भी मैटर जब दूसरे किसी सब्सटेंस के साथ किसी एलिमेंट के साथ कंबाइंड होकर नेचुरली तौर पर एग्जिस्ट करता है उस नेचुरल फॉर्म ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ कंबाइंड मैटर के लिए द एलिमेंट इज कॉल्ड कोर ठीक है एल्युमिनियम के मुख्तलिफ तरह के कोर्स हैं जो कि मैंने अभी आप लोगों को कहा था कि आप पढ़ लें उसमें से वो कोर जो हम यूज करते हैं एल्युमिनियम निकालने के लिए उसकी हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं ठीक है क्योंकि मैंने आपको बताया है अच्छा मेटलर्जी क्या है ऑब्टेनिंग ऑफ मेटल फ्रॉम इट्स कोर इज कॉल्ड मेटलर्जी तो बेसिकली यहां पर हम मेटलर्जी ऑफ एल्युमिनियम को डिस्कस कर रहे हैं सही है जब हमारा मेन टॉपिक है वो क्या है मेटलर्जी ऑफ एल्युमिनियम व्हाट इज मीन बाय मेटलर्जी एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम इट्स कोर इज कॉल्ड मेटलर्जी तो एल्युमिनियम की मेटलर्जी करने के लिए जो कोर हमें सेलेक्ट करना है वो कोर है बेटा ऑक्साइड उसकी मेटलर्जी के दौरान जो स्टेप्स होंगे मैंने 9 से उसको लिख दिया है ताकि आप कंफ्यूजन ना हो आपको सबसे पहले आपने क्या करना है इंप्यूरिटीज को रिमूव करना है जैसे ही इंप्यूरिटीज को रिमूव कर देंगे ऑक्साइड तब्दील हो जाएगा एल्युमिनियम एल्युमिनियम क्या आप करेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस 99% प्योर एल्युमिनियम ऑब्टेन हो जाएगा उसकी आप करेंगे रिफाइनिंग 99.99% एल्युमिनियम आपको फाइनली ऑब्टेन हो जाएगा इस तरीके से आपको मेटलर्जी करनी है बॉक्साइट की ताकि एल्युमिनियम गेन हो सही है बॉक्साइट का फार्मूला एल्युमिनियम ऑक्साइड डॉट NH2O मतलब Al2O3 डॉट NH2O दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग द एमसीक्यू बॉक्साइट का फॉर्मूला दूसरा पॉइंट हमने ये कहा कि बॉक्साइट से इंप्योरिटी को रिमूव करेंगे तो एल्युमिना बनेगा व्हाट इज एल्युमिना Al2O3 सही है अब बॉक्साइट के साथ NH2 जो लगा हुआ है इसका मतलब ये नहीं है कि ये इंप्योरिटी है इंप्योरिटी का मतलब ये है कि इसके साथ अदर सब्सटेंसेस दो सब्सटेंसेस दैट इज आयरन ऑक्साइड Fe2O3 एंड सिलिकॉन डाइऑक्साइड मतलब सिलिका दिस वुड बी आस लाजमी तौर पर इन योर पेंट तो व्हाट आर द चीफ इंप्योरिटीज ऑफ बॉक्साइट सो द चीफ इंप्योरिटीज ऑफ बॉक्साइट आर Fe2O3 एंड SiO2 मेनली इंप्योरिटीज ठीक है प्यूरिफिकेशन जब हम करेंगे बॉक्साइट की तो उस दौरान इंप्योरिटीज रिमूव हो जाएंगी और इस प्रोसेस को करने के लिए तीन अलग अलग साइंटिस्ट ने तीन अलग अलग तरह के मेथड्स बताए और ये बेस करता है कि कौन सी इंप्योरिटी वहां पर मौजूद है अगर आयरन ऑक्साइड और सिलिकॉन डाइऑक्साइड दोनों इंप्योरिटीज मौजूद है तो हम बॉल्स मेथड कहेंगे बिल्कुल यही अल्फाज इंग्लिश में आपसे पूछे जाते हैं अगर आपके पास सिलिकॉन डाइऑक्साइड और आयरन ऑक्साइड दोनों ही मौजूद है तो कौन सा मेथड यूज करेंगे हॉल्स मेथड अगर आपके पास इंप्योरिटी आयरन ऑक्साइड मौजूद है तो कौन सा मेथड करेंगे बायर्स मेथड अगर आपके पास इंप्योरिटी सिलिकॉन डाइऑक्साइड वाली मौजूद है तो फिर कौन सा करेंगे बेटा मेथड सरफेक्स मेथड सो दीज आर द थ्री मेथड्स So these are the three methods that are separately used for removal of the impurities from the bauxite and converting into the aluminum. तो आपके पास यहाँ पर bauxite लिखी हुई है, Hals को scientist है, Na2CO3 का formula भी आप हमने पहले बताया था, that is the soda ash. This is an important point and it would be asked in your MCQ जो के past paper में भी आपको बार बार दिखेगा मैं past paper के जो अल्फाज यूज करता हूँ इसका मतलब हर किसी नहीं होगा सिर्फ MBBS और BDS के colleges के past paper जिसका मतलब ये होगा अदर यूनिवर्सिटीज as well बॉक्साइट के साथ हम शामिल करेंगे सोडा ऐश को तो ये कौन सा मेथड है हॉल्स मेथड ठीक है
बायस मेथड में बॉक्साइट के साथ यूज किया जाएगा कॉस्टिक को, तो ये कौन सा मेथड है? बायस मेथड। और अगर बॉक्साइट के साथ कार्बन नाइट्रोजन का मिक्सचर यूज किया जाए एट वेरी हाई टेंपरेचर तो वो कौन सा मेथड है? सल्फेक्स मेथड। ये तीन पॉइंट याद रखिएगा, ये एमसीक्यू सब पूछते हैं आपसे। तो अगर आप बॉक्साइट को Na2CO3 के साथ मिला रहे हैं तो कौन सा मेथड होगा? बॉल्स मेथड। कॉस्टिक को मिलाएंगे तो कौन सा मेथड है? बायस। अब बेटा इसमें होता क्या है, पहले ही प्रोसेस कंप्लीट होने पर आपको मिल जाता है सोडियम एल्यूमिनेट कार्बन डाइऑक्साइड और जाहिर सी बात है ऑर्डर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन तो बॉक्साइट के साथ मौजूद थे। अब वो बॉक्साइट ही जब तब्दील हो गए सोडियम एल्यूमिनेट में तो वाटर मॉलिक्यूल उसके साथ जुड़े हुए थे, वो सेपरेट हो गए। अब जो सोडियम एल्यूमिनेट मिलेगा इसको हम फर्दर हीट करेंगे, मतलब यहाँ से जो सोडियम एल्यूमिनेट मिलेगा पिक्चर की शक्ल में उसको आप पहले वहां से फिल्टर आउट करेंगे, ड्राई करेंगे और उसके बाद सोडियम एल्यूमिनेट जो आपको ऑक्टेट हुआ है बेटा फॉर्मूला याद रखिएगा NaAlO2 दिस इज सोडियम एल्यूमिनेट, फॉर्मूला इज इंपॉर्टेंट। सोडियम एल्यूमिनेट को फर्दर 50-60 डिग्री सेल्सियस, अब इसका मतलब क्या है देखो, हम ऐसा पानी लेंगे जिसका टेंपरेचर 50-60 डिग्री सेल्सियस होगा तो हम ये कहेंगे कि सोडियम एल्यूमिनेट 50-60 डिग्री सेल्सियस टेंपरेचर पर वाटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर से गुजरती है आगे बढ़ रही है तो हमारे पास प्रेसिपिटेट्स ऑब्टेन होंगे जिसके एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। दिस वाज इन योर पास्ट पेपर कि कौन सी चीज की आपको प्रेसिपिटेट मिलेंगे जब आप सोडियम एल्युमिनेट को फर्दर वाटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के मिक्सचर से लो टेंपरेचर पर पास करते हैं। 50-60 डिग्री सेंटीग्रेड ये हाई टेंपरेचर नहीं है, ये लो टेंपरेचर है। आपको किसके प्रेसिपिटेट मिलेंगे? एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। और साइड प्रोडक्ट के तौर पर आपको वापस क्या मिल जाएगा? सोडा एच जो आपने इस्तेमाल किया वापस आ गया Na2CO। फाइनली हमने क्या करना है, जो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड है बेटा उसको हम हीट करेंगे। दिस हीटिंग टेंपरेचर वाज आस्क्ड इन योर पेपर, ये पूछा जा चुका है कि किस टेंपरेचर पर एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड को हीट किया जाएगा कि आपके पास एल्युमिनियम मिल जाए। दिस वाज इन योर पास्ट पेपर। What is the formula of alumina? Alumina का formula होता है Al2O3. What is the difference between alumina and bauxite? Due to the water of crystallization, the bauxite is different from the alumina. ठीक है? Alumina और साथ में आपको क्या मिल जाएगा? Water. तो मैंने आपको यहाँ पे flow chart में बताया था कि bauxite में से impurities को remove करेंगे alumina बनाना। ये हमारा main मकसद है। तो क्या हमने Hall's method के अंदर impurities को हटाकर bauxite से alumina बना लिया? जी भाई, एल्युमिना हासिल कर लिया, एल्युमिना हासिल कर लिया तो इसका मतलब यह है कि यहां पर आकर इसकी कहानी मुकम्मल। नेक्स्ट साइंटिस्ट है बायस, उसने जो मेथड अप्लाई किया बॉक्साइट को साफ करने के लिए उस मेथड को हम कहते हैं बायस मेथड। सही है।